आंदोलन के दम पर महान क्रांतिकारी फिरोज गांधी देश दुनिया में अपना परचम लहराया। फिरोज गांधी का समाधि स्थल प्रयागराज स्थित कब्रिस्तान में बनाई गई है, जिसे अब गांधी परिवार पूरी तरीके से भूल चुका है। समाधि स्थल को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फिरोज गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कई बड़े बड़े आंदोलन देश में किया और अपना एक अलग छाप छोड़ी। फिरोज गांधी की समाधि स्थल के चारों तरफ झील झंकार उगे हैं। उसकी बदहाली की स्थिति कहीं ना कहीं लोग प्रयागवासी गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी कांग्रेस पार्टी में जब थे तो उन्होंने पार्टी को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रयागराज की में समाधि स्थल का जो हाल है, कहीं ना कहीं लोग उसे कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है और गांधी परिवार को। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने बाबा को अब पूरी तरीके से भूल चुके हैं, क्योंकि प्रयागराज में कई बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आगमन हुआ, लेकिन वह चंद कदम दूर अपने बाबा से मिलने नहीं पहुंची। समाधि स्थल की हालत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से समाधि स्थल की बदहाली है, उसके देखने वाला कोई नहीं। गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है और हमेशा रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक फिरोज गांधी का इस धरती पर नाम रहेगा। ये ऐसे आइकॉन है कि राजनीति के लिए एक महान, अगर कुछ सीखना है तो फिरोज गांधी के जो लेख है उससे सीखा जा सकता है, क्योंकि वो महान शख्सियत थे। आज उनकी बदहाली, उनके कब्रस्तान, उनकी जो समाधि है, समाधि स्थल पर जो बदहाली है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। इतने महान शख्सियत थे कि जो तीन मर्तबा सांसद थे और एक बेहतरीन लेखक थे, पत्रकार थे, और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना एक इतना बड़ा योगदान दिया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इंदिरा गांधी के पति भी थे एक महान, और सरकार में जब भी रहे सरकार के खिलाफ ही बोलते रहे, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश और देश इनके लिए और जनता इनके लिए सर्वोपरि थी। अच्छा, एक कांग्रेस के कई बड़े राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का भी आगमन हुआ, कभी यहाँ उन्होंने आके? देखिए, यहाँ पे प्रियंका, सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं, राहुल गांधी भी आ चुके हैं, इंदिरा गांधी भी आ चुकी हैं, लेकिन इसकी बदहाली दूर नहीं हुई। यहाँ की बदहाली है, जैसे राजघाट, शांति वन, प्रेरणा स्थल दिल्ली में है, उसी तरीके जो है इनकी भी समाधि का जो है सुधार किया जाना चाहिए। और हम यहाँ पर भी हम लोग आके उनको पुष्पांजलि अर्पित करें हर वक्त।